महादेव, एस्ट्रो निशान भारद्वाज में मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार से जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए। और एक आपसे निवेदन है कि अपने ही इस परिवार का दूसरा चैनल जो सिर्फ हरी चर्चा के लिए है, जिसमें ज्योतिष और राजनीतिक बातों से कोई लेना देना नहीं है, ऑल माइटी महादेव, उसको प्लीज सब्सक्राइब करें, उसके वीडियो देखें और आप अपना कमेंट जरूर करें। अगर आपको अच्छे लगे तो शेयर जरूर करें। बांग्लादेश, मेरी बांग्लादेश यात्रा के पार्ट 3 में मैं आज आपसे बहुत सारी चर्चा करने वाला हूं। पिछले 2 पार्ट्स में हमने आपसे डिस्कस किया था कि हम ढाकेश्वरी मंदिर के दर्शन कर चुके थे, माता के, बड़ा ही विलक्षण पल था। दर्शनों के पश्चात जब मैं वहां के लोगों से मिला तो उन्होंने कहा कि हमारी हालत बहुत खराब है, जो बाहर से देखने में लोगों के व्यवहार से नहीं लग रही थी। लोग बड़े सामान्य तरीके से, हालांकि वहां बहुतायात में मुसलमान है, और बड़े सामान्य तरीके से व्यवहार कर रहे थे कि उनको पता है इंडिया से आया हुआ आदमी है, बाबा है, और उनके देश की अगर उन्होंने कुछ ऐसी कुछ हरकत की तो बाहर जाके उनके देश की बदनामी होगी। तो इस बात से सजग थे कि ऐसी कोई बात ना, ऐसी कोई हरकत ना की जाए जिससे उनके देश की बदनामी हो। तो बड़े प्रेम भाव से, बड़ी श्रद्धा से मिल रहे थे। जब आंतरिक बातें मुझे पता चली, कोई भी हिंदू कैमरे के सामने कुछ भी कहने से डर रहा था, बट लोगों ने ये कहा मुझसे कि हमारी हालत बहुत खराब है, आप आए, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, हमें सहारा मिला, हमें साहस मिला। बोले या परिस्थितियां इतनी बिगड़ी हुई कि किसी भी मंदिर को कब्जा करके तोड़ के मूर्ति उसके अंदर कुरान रख देते हैं, वो मस्जिद बन जाती है, हमारी औरतों को उठा लिया जाता है, पुलिस हमारी कंप्लेंट लिखती नहीं है। हमने निश्चित किया कि हम गांव में इस बात की पड़ताल करेंगे, किसी के कहने पर से नहीं मानेंगे। तो उस सिलसिले में 2-4 गांव में जाया गया, गांव वाले बड़े प्रसन्न हुए हमारे आने, बट लोग बड़े कौतूहल और बहुत शक की नजरों से हमको गांव में देख रहे थे, और ईश्वर जाने हमारे आने के पश्चात उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ होगा। वहां भी डर का माहौल था, कोई भी कैमरे के सामने या किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपने भावों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं था। उनकी आंखों में भय को अच्छे तरीके से देखा जा सकता। मैं कुछ वीडियो या फोटोग्राफ्स यहाँ पे डालूंगा, हालांकि वो बहुत उमंग में थे, उत्सव के माहौल में थे, वो चाहते थे कि हम बहुतायात में वहां रहें और हमारे जैसे कई लोग वहां आते रहें तो कम से कम उनको संबल मिलेगा। वहां के सरकार को भी ये होगा कि इनको सुरक्षा दी जाए, बट ढाका और उसके आसपास के गांवों में हिंदुओं का बुरा हाल है, उनकी प्रताड़ना हो रही है। वैसे भी महिलाएं तो मुसलमानों की भी सेफ नहीं है वहां, ये बातें वहां की मुस्लिम औरतों ने मुझसे कही कि बाबा आप आए, आप ऐसा कुछ दुआ हमारे लिए किए कि हमारा जीवन स्तर सुधरे। जबकि बंगाल में परिस्थिति अलग है, महिलाएं रूल करती हैं और वहां महिलाओं का उत्पीड़न होता है। हर एक सफेद दाढ़ी के आदमी जिसके पास थोड़ा बहुत भी धन है, उसकी 4-5 कमसिन बीवियां
उसके साथ चलती हुई सड़क पे आपको दिखाई दी जाएगी। उत्पीड़न का आलम यह है। बड़ी निराशा हुई देख के, और आप आपसे व्यवहार में ऐसे बातें करेंगे कि उनसे सज्जन तो कोई प्राणी है नहीं। मुझसे उन्होंने कहा कि उनका एक बौद्धों का और हिंदुओं का एक संगठन है, उसके जो संगठन के सर्वे सर्वा हैं उनसे बात कीजिए, मुझे समय नहीं मिल पाया, क्योंकि मेरे लिए किसी से भी बात करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये था कि मैं पूरे बांग्लादेश में घूम के हिंदुओं की स्थिति को जानूं। हमने ढाका के आसपास के गांवों में भजन कीर्तन करने की का भी प्रयास किया और किया भी, जिससे उनके अंदर का भय जो है वो दूर हो। हालांकि शिवानंद बाबा साथ में थे, शिवानंद बाबा की तो वहाँ पे अनन्य भक्त हैं उनके, वो वहीं से हैं, ढाका से ही के आसपास के गांव से ही हैं। मुझे गांव का नाम याद नहीं, बड़ा द्रवित हो गया था मन। अच्छा, उसके बाद उस दिन हमको फिर एक और एक होटल में रुकना पड़ा। इतना महंगा होटल, वो 2000 रुपये का होटल, और उसमें क्वालिटी धर्मशाला की भी नहीं है। हमारे यहाँ की धर्मशालाएं उनसे लाख गुना अच्छी हैं। गर्म पानी के अलग से पैसे देने पड़ते हैं। वाईफाई की सुविधा नहीं थी 2000 रुपये में भी। हमारे यहाँ पे कोई पासपोर्ट लेके आ जाता है अपना, और कोई सिम कार्ड लेना चाहे तो उसको मिल जाता है, पर वहां पे अगर आप बांग्लादेशी नहीं है मूल, तो विदेशियों को वो सिम कार्ड नहीं मिलता, तो आपका फोन चल नहीं सकता। खाने की दिक्कत थी, चारों तरफ मांस की दुकानें, राम राम करके रात गुजारी है भाई, बड़ा मुश्किल हो गया था। और उसके बाद अगले दिन बड़ी विचित्र घटना हुई, जो मैं अगले एपिसोड में आपके साथ साझा करूंगा। आपसे मुझे आशा है कि आपको ये मेरी यात्रा के प्रसंग अच्छे लग रहे होंगे। मैं बना तो रहा हूं, पर इसको प्रतिसाद दीजिएगा, उन लोगों का भी हौसला बढ़ेगा और मेरा भी। और आपसे निवेदन है कि ऑलमाइटी महादेव को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और उसकी वीडियो देखिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, और कंट्रीब्यूट जितना भी हो सकता है। महादेव।